नवंबर 2016 गवर्नमेंट ने 500 और 1000 की नोट्स को डीमोनेटाइज कर दिया और मार्केट में नई महात्मा गांधी सीरीज लॉन्च हुई विथ ब्रांड न्यू सिक्योरिटी फीचर्स. सेंटर में गांधी जी का पोर्ट्रेट, साइड में इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क, कलर शिफ्टिंग सिक्योरिटी थ्रेड, बॉटम राइट में एम्बॉस्ड 500 डिनोमिनेशन और बहुत कुछ. ये काम आसान नहीं है और इसे करने में हमारी लेकिन नामुमकिन भी नहीं है. नोट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है डिजाइन और डिजाइन में तो मैं बचपन से ही आउटस्टैंडिंग हूं. स्कूल से ये सीखा है कि कामयाब होने के लिए या तो सब कुछ बाय हार्ट कर लो या तो पूरा सिस्टम ही बायपास कर लो. नए नोट में और भी ज्यादा लाइंस और डिटेल्स हैं. ऊपर से भारत इंडिया का माइक्रो लेटर जो गांधी जी के कॉलर पे, बड़े से बड़ा हाई रेजोल्यूशन स्कैनर उसे एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकता. लाइंस एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाती है. इट्स कॉल्ड द क्या बोलते हो मोयरे इफेक्ट. इसके लिए स्कैनर नहीं आर्टिस्ट की जरूरत है. अगला स्टेप है प्रिंटिंग. इनको रिबन को मशीन से बेटर फिरोज समझते हैं और जो हम दोनों को नहीं पता उसके लिए इंटरनेट है ना. प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले चाहिए मास्टर डाई जो साला अपने आप में एक मगजमारी है. पहले कॉपी फिर फिक्स करो फिर फ्रिक्शन उसके बाद ट्रीट. और अब प्रिंटिंग चालू. लेकिन अपना बेचारा गरीब सा प्रिंटर एक टाइम पे सिर्फ एक ही कलर प्रिंट कर सकता है तो ऑब्वियसली चार बार प्रिंट करना पड़ता है ना. प्रिंट क्लीन चेंज रिपीट प्रिंट क्लीन चेंज रिपीट. नेक्स्ट स्टेप कटिंग. वैसे मशीन में मोटर होती है तो काम आसान हो जाता है पर पैसे बनाने का नशा इतना होता है कि हाथ का दर्द पता ही नहीं चलता बॉस. सिक्योरिटी फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सिक्योरिटी स्ट्रिप. अब किसको मालूम है कि 10 रुपए की चमकीली पत्ती 500 का पत्ता बनाती है. माइंड ब्लोइंग है ना. उसके बाद आता है सीरियल नंबर. नोट पे नंबर सब भले ही एक साइज के ना हो लेकिन अपने फिरोज के पास हर चीज का जुगाड़ है. तो इतने में ही बन जाता है ना परफेक्ट नोट कि नहीं. क्या लगता है शायद क्या कर रहा है